गायत्री यज्ञ का मतलब पूजा पाठ नहीं है, यज्ञ से परिवर्तन होना चाहिए जीवन में। हम सबके जीवन में हुआ है, हम सबके जीवन में हुआ है, जिनके जीवन में हुआ है ऐसे भी लोग हैं, ये परिवर्तन होना चाहिए। गायत्री मंत्र का मतलब है परिवर्तन। भगवान को ना तो कोई फल चाहिए, ना दूध चाहिए, ना बतासा चाहिए। भगवान को जो चाहिए कि इन सब माध्यम से हम अपने जीवन में परिवर्तन कैसे लाते। और उसका पूजा का मतलब भारत में यही होता था कि हमारा आंतरिक बदलाव कैसे हो। देखिए, आदमी शादी विवाह के अवसर पर ब्यूटी पार्लर में जाता है, खूब सस्ता समरता है, साहब ऐसा हेयर स्टाइल बना दो, ऐसा दाढ़ी बना दो, ऐसा कपड़ा सिला दो, बाहर के आवरण को बदल लेता है और लोग बाहर के चीजों से ही प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन भगवान को बाहर के चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कुछ नहीं, जीरो। आप कुछ भी कर लो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, भगवान तो अंदर से प्रभावित होता है। सबरी रामायण में आदिवासी महिला थी, देखने में बिल्कुल साधारण से भी साधारण थी, जबकि रावण की बहन भगवान राम के पास बड़ी सज सवर के आई थी, बड़ी हेयर स्टाइल में आई थी, नाज नखरे दिखाते हुए आई थी, लेकिन भगवान उससे प्रभावित नहीं हुए। भगवान किससे प्रभावित हुए? सबरी से प्रभावित हुए। क्यों? भगवान भाव देखता है, भगवान भाव देखता है। भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है कि मनीष जी कैसा कुर्ता पहने, उजला पहने हैं कि पीला पहने हैं कि हरा पहने हैं कि गुलाबी पहने हैं कि चमकदार पहने हैं कि कम चमक वाला पहने हैं, कोई लेना देना नहीं। मनीष जी क्या बोल रहे हैं इससे भी भगवान को कोई लेना देना नहीं है। मनीष जी उसके पीछे किस भाव से बोल रहे हैं भगवान को उसी से मतलब है। अगर मेरा भाव यह है कि आप यहां जितने लोग बैठे हो मैं इनको भटका दूं, इनको ऐसा बना दूं कि ये किसी काम के नहीं रहें, दिन भर सीताराम सीताराम, तो भगवान हमें कितना नंबर देगा? कितना नंबर? जीरो नंबर, जीरो नंबर। समझ लीजिए, भगवान आपके बाह्य क्रियाकलापों से कभी प्रभावित नहीं होता है। कुछ भी काम, अगर आप दरी बिछा रहे हो, दरी बिछाने के प्रति आपके भीतर अगर ये भाव है कि हाँ कुछ भाई आएंगे बैठेंगे उनके जीवन में कुछ अच्छाई आएगा, तो भगवान उस भाव के अनुसार आपके जीवन में फल देता है। उसको बाहरी चकाचौंध से, बाहरी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और इसी बदलाव के लिए हम सब लोग प्रयास करते हैं कि गायत्री मंत्र का जप करें। जप भी इसलिए करें कि मेरा बदलाव कहां हो? अंदर हो। अंदर वाला अगर बदल गया, विश्वास मानिए, जीवन में आनंद ही आनंद मिलेगा, जीवन में मजा ही मजा मिलेगा। और नहीं तो आपको लगता है कि करोड़ों करोड़ रुपया कमा के भी व्यक्ति सुखी हो सकता है, तो कल परसों की घटना है, आप ही के देश के जन जन में जिनका नाम था 25,000 करोड़ के मालिक, सहारा के मालिक, उनके अंतिम समय में जब वो बीमार थे, ना उनकी पत्नी थी, ना उनका बेटा था, ना उनका रिश्तेदार था, कोई नहीं था। मरने के बाद दो बेटा जिसके शादी में दुनिया को समझ लोगे तो लाभ में रहोगे, नहीं तो झाल बजाते रहो, लाइट जलाते रहो। दो बेटा जिसके शादी में 2004 में जिस बेटे का शादी हुआ,
500 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, 500 करोड़। वो दोनों बेटा अमेरिका में ये खबर करवा दिया कि मुझे टाइम नहीं है, नहीं आया। साहब लोग तो ये कहते हैं कि धन से सब कुछ मिलता है, लेकिन अंत समय में कहा जाता है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, जिसके पुत्र अग्नि नहीं देते हैं उनको मुक्ति नहीं मिलता है। देख लो यही संसार है। इस संसार को जो जितना जल्दी समझ लेगा वो बड़ा सुखी जीवन जिएगा भीतर से। सबरी ने समझ लिया था और सूर्पनखा ने क्या किया था, ब्यूटी पार्लर गई, कहीं थोड़ा बढ़िया से सजा देना, आज मुझे रिझाने जाना है, अगले को हम अपने नैन नस्क से, बालों की कला से अपने उसको रिझाएंगे। लेकिन उसका राम ने, लक्ष्मण जी ने क्या किया, क्या काट लिया, नाक ही काट लिया। नाक काटने का मतलब इज्जत जाना होता है ना कई बार, अरे भैया उसने तो ऐसा किया कि नाक ही मुहावरा है, समझ लो। भगवान भगवान को इससे भी मतलब नहीं है कि आप बीपीएससी में डीएम बनी है कि कलेक्टर बनी है, भगवान को इससे भी मतलब नहीं है कि आप आईएएस बने हैं कि आईपीएस बने हैं, वो तो बड़ी ऊंची चीज है। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को इस दुनिया में रोते देखा है, आंसू टपकाते देखा है, बर्बाद होते देखा है। कहा सफलता कहां है भाई, सफलता कहां है? प्राचीन काल में चलिए, एक भी ऋषि महर्षि नहीं थे जिनकी पत्नी नहीं थी। सारे ऋषि, हिंदू धर्म की विशेषता है, सारे ऋषियों की पत्नी थी, लेकिन कोई पत्नी आज तक तलाक नहीं दी। इंडिया में तो कब जाने कब शादी हो जाए, कब तलाक हो जाए, आज के जमाने में तो बहुत मुश्किल है। इसलिए भाई अध्यात्म की आवश्यकता है, और वो अध्यात्म की आवश्यकता है जो इंसान को भीतर से सही दिशा दे सके। बाहर के पूजा पाठ से कोई विशेष लाभ व्यक्ति के जीवन में ना कभी मिलता है ना आगे मिलेगा, लेकिन मेथड वही है अच्छा बनाने का। समझ लीजिए, लाभ में रहिएगा, अंदर का बदलाव, अंदर का परिवर्तन। आज छठ की संध्या का अर्क है, भगवान सूर्य की उपासना का दिन है। सही मायने में भगवान सूर्य करते क्या है, भगवान भास्कर करते क्या है, साइंटिफिक उसका रीजन क्या है, आप जानते हो साइंटिफिक। सूर्य की एक विशेषता है, जिस भी पौधे पर, जिस भी चीज पर उनकी रोशनी पड़ती है उसका गुण, सेव पर अगर भगवान सूर्य की रोशनी पड़ती है, सेव के फल पर लटका हुआ है, तो उसका क्या बढ़ेगा, स्टार्च बढ़ेगा, उसका मीठापन बढ़ेगा सूर्य के रोशनी से। नीम पर अगर पड़ेगा तो उसका तीखापन बढ़ेगा। सूर्य की ये विशेषता है सूर्य उपासना का, कि व्यक्ति का जो रियल का गुण होता है वो मनुष्य का गुण ही है, अच्छा होना, बेस्ट होना, क्वालिटी का होना, दूसरे के लिए सेवा भावी होना। अगर आप सही में भगवान सूर्य की उपासना का लाभ लेना चाहते हो तो आपको भी भगवान सूर्य से यही प्रार्थना करना पड़ेगा, यह भगवान मेरा जीवन ऐसा बना देना कि मैं तो अपने लिए अच्छा बनूं ही बनूं, संसार और दुनिया के लिए भी मैं अच्छा बन जाऊं, तब आपकी सूर्य उपासना सफल है, सूर्य की पूजा सफल। इसको जितने लोगों तक पहुंचाया जा सके लाभ ही लाभ है, नहीं पहुंचाइएगा आप तो न जाने उनको क्या क्या दिखा रहे हैं। दिखाइए, दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साहब आपको समझना होगा आने वाले दिनों में 2000 साल 3000 साल में भारत के धर्मों का वो स्थिति बिगड़ गया,
ये आज नई पीढ़ी के लोग, नए जनरेशन के लोग उसे मानना ही नहीं चाहते हैं। लोग कहता है कि नया पीढ़ी मानता नहीं है, क्यों मानेगा, क्यों मानेगा? वो जो चीज हमारा रियल में था वो तो हमने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, और फर्जी माल लेके हम बैठे हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा, हमें विचार, इसलिए हम लोग गायत्री यज्ञ करा रहे हैं। गायत्री यज्ञ का मतलब पूजा पाठ नहीं है, यज्ञ से परिवर्तन होना चाहिए जीवन में। हम सबके जीवन में हुआ है, हम सबके जीवन में हुआ है, जिनके जीवन में हुआ है ऐसे भी लोग हैं, ये परिवर्तन होना चाहिए। गायत्री मंत्र का मतलब है परिवर्तन, गायत्री मंत्र का मतलब है साफ सफाई, गायत्री मंत्र का मतलब है अपने बुद्धि को सही करना, बनावटी बुद्धि से बचना, सच्ची बुद्धि। हो सकता है दुनिया में बहुत चालाक लोग हैं, होशियार लोग हैं, आपको कई बार लगता होगा देखो कितना माल बना लिया, कितना पैसा कमा लिया, कितना आगे बढ़ गया, 10-10 गाड़ी रखे हुए है। आजकल किसी को नापना हो तो हम लोग कैसे नापते हैं, किस चीज से? उसके पास कितना पैसा है, अरे बहुत पैसा वाला आदमी है। भले ही उसके घर में रोज मार होता हो, झगड़ा होता हो, दारू चलता हो, झंझट होता हो, लेकिन फिर भी लोग उसी को देख के प्रभावित होते हैं कि क्या बात है। साहब हमें विचार करना पड़ेगा, जीवन का जो सुख है वो बाहर है ही नहीं, जीवन का सुख। और इसी चीज को हमारे देश में कभी प्राचीन काल में उपासना के रूप में, पूजा के रूप में प्रार्थना, प्रार्थना किसका फलता है, भगवान किसकी प्रार्थना सुनते हैं? भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं कि आप सच्चे मन से अगर सही में भगवान का काम कर रहे हैं तब भगवान आपकी बात को सुनेगा। अच्छे, कोई आदमी आपका काम करता हो उसका बात सुनिएगा कि कोई आपके रूम में आके और इधर उधर घंटों लंद फंद चक्रंद बतियाता हो उसका बात मानिएगा? किसका मानिएगा? जो आपका काम करता हो। तो भगवान भी देखता है, नहीं हम भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, बहुत पहले हम भी युवा मंडल में आते थे, खुट्टा गाड़े हुए थे, आजकल मेरा खुट्टा उखड़ गया, ठीक हुआ, भगवान करे तेरे जीवन का सारा खुट्टा उखड़ जाए। मैं छठ के शाम के अर्घ के समय बोल रहा हूं, समझ लो भाई, बेवकूफ किसको बना रहे हो, स्वयं बेवकूफ बन रहे हो। इसलिए आप समझ लो भगवान तो भाव देखता है। आज हमारी बात अगर कोई सुनता है तो क्यों सुनता है भाई? अगर मैं यहां से अपनी बात कहूं तो कोई नहीं सुनेगा। हम तो जिनको जो बात कहते हैं सब मानने लगते हैं। हम तो भगवान से जो बात कह देते हैं, गुरुदेव के पास दीपक जला के, गुरुदेव ये वाला काम हो जाना चाहिए, मैं मंदिर में कह रहा हूं दीपक जल रहा है, वो काम हो जाता है। क्यों? वो जानता है कि ये ठगने वाला नहीं है, और लोग तो ठग है, आज है कल भाग जाएगा और कहेगा हम भी गायत्री परिवार के मेंबर हैं, मेंबर है, लाठी लगेगा तोरा, लाठी 10 लाठी लगेगा और गिनाएगा 1 लाठी। नहीं ऐसा मत करिए, 10 का 10 ही गिना करिए, माफ करना, भगवान क्यों सुनेगा तेरा, क्यों सुनेगा तेरा है? गायत्री जप, उसको गायत्री घाटा लग गया है कि तू नहीं जपेगा तो उसका कमजोर हो जाएगा। चोरू चक्का लुच्चा कहाँ के झोला छाप, आप लोग बड़े अच्छे लोग हो, बिना कुछ कहे मन मानता नहीं, चाहे छठ का पूजा हो चाहे दुर्गा पूजा हो, हम तो आदमी ही वैसे हैं, खरी खरी करने वाले, मीठी मीठी बात मुझे आती नहीं, वो तो संगीत गाने वाले भाई लोग गाते हैं, गुरु तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए आए, और सही में स्थान दे दे तो कहे गुरु जी ये स्थान आप छोड़वा दीजिए, हमको तो माल चाहिए, पत्नी चाहिए, लड़का चाहिए, बच्चा चाहिए, हैं? भगवान जानता है कि ठगने वाला कौन कौन लोग हैं, और इसीलिए ऐसे लोग गायत्री परिवार में जुड़ के भी परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, सब कुछ के बावजूद भी जीवन में उथल पुथल मचा रहता है, कभी टटोल के देखना उसके झोली में किसी चीज की कमी नहीं है, हैं? अपने लिए मांगूं तो क्या मिले, अगर मैं आज अपने लिए मांगूं तो मुझे क्या मिले? आप मांग के दिखा दो, 200 रुपया से ज्यादा तुमको कोई नहीं देगा।
भाई मैं तो मांगूं, मैं लाख से कम किसी से मांगता ही नहीं, क्योंकि गुरु, हमारे गुरु ने कहा है बेटा तेरा औकात बढ़ा दिए। लोग कहता है लाख रुपया मांगते हैं आपको दे देता है, अरे दे नहीं देता है, पहुंचा देता है। और इसका उदाहरण अभी बता रहे हैं, हमारे ही युवा मंडल के एक भाई बड़े पद पर हैं, हमने उन्हें फोन किया कि भाई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, हम तो सबको फोन करते नहीं, आपको देना चाहिए। उसने पूछा कि कितना देना पड़ेगा, मैंने कहा 3000 लीटर सरसों का तेल। कितना लीटर, गिनती आती है नहीं? 3 लीटर नहीं ना भैया, हम तो छठ में अभी 3 लीटर तेल खरीदे थे तो हमारी पत्नी कही तो सूख जाएगा। तुम भी सूख जाना, और सूख जाओगे तो हमको अच्छा लगेगा। हम जब गायत्री जपते हुए कोई सूखता है तो हमको भीतर से मजा आता है। सही कहते हैं, हम जानते हैं ढोंगी है, ढोंगी ये एक नंबर का चोर है, रे चोरवा माफ करना। और कल निशांत रंजन जी बैठे हुए थे, 3000 लीटर एक ट्रक सरसों तेल, यहाँ ऊपर जाके दर्शन कर लेना, तुम्हारे ऊपर ही रखा गया है, ऊपर रख दिया गया। और सुन लो, पूछा और कुछ चाहिए, हमने कहा हाँ और चाहिए। पूछा क्या, हमने कहा 7.5 क्विंटल शुद्ध घी चाहिए। कहा भैया छठ के कल हो के वो भी पहुंच जाएगा। 13 लाख का सामान हुआ, एक फोन पर पहुंच गया। तू मांगेगा कर तो तुरंत कोई 13 करोड़। भैया बोले थे तुम्हारा गुरु तुमको कहाँ पहुंचाना चाहता था, तुम्हारा गुरु तुमको कहाँ ले जाना चाहता था, और तुम वही भिखमंगा के भिखमंगा बना। तुम्हारे वाणी में ताकत नहीं है तो प्रसादी ना तुरा खिलाएगा, खरना का प्रसादी खाए राजीव जी? हाँ भैया खाए खाए, मीठ था भैया और रोटी पतला। माफ करना भाई, ऐसी की तैसी तेरी जवानी में आग लगे, माफ करना। हम तो 80 साल का भी उम्र हो जाएगा ना, 90 साल का भी, तो लोग कहेगा देखो शेर आ गया, और तोरा तो अभी ये कहता है देखो गिद्धर है। अरे गिद्धरवा वाह, हमारी पत्नी का तबीयत खराब है भैया? ठीक है, बढ़िया है, थोड़ा चलो भाई बहुत बढ़िया, मन लगता है बोलने में। जब आप लोग बैठते हो, नहीं बैठते हो तो मेरा मन भीतर से बकाहट ऐसा लगता है कि माफ करना भाई, मैं तो चाहता हूँ कि हमारा एक एक, गुरुदेव कहते थे बेटा हम तो चाहते हैं मेरा एक एक शेर पैदा हो, जो जहाँ खड़ा हो तो शेर की भांति खड़ा हो। है? आपका गुरु कोई साधारण नहीं है। मैं तो जिस जिस लोगों के यहाँ गया, जहाँ अभी परसों बिहार के महामहिम राज्यपाल जी से मिलने का मौका मिला, गवर्नर साहब से, गवर्नर साहब को कहे सर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, अब उनको भी डर हो गया कि कहीं कुछ मांगेगा लगता है यहाँ। उन्होंने कहा नहीं सर आपको आपको देना नहीं है, हमने कहा हमारा कार्यक्रम है 4 दिन का, जिस दिन भी आपको लगे सर आप आ जाएँ, अगर युवा प्रकोष्ठ का कार्यक्रम है 10 तारीख को उसमें आ जाएँ। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उस कार्यक्रम में हम आएंगे। जिनको भी देखो साहब ताकत हो, हम तो अपने गुरु के बल पर निकलते रहते हैं, अपने भगवान के बल पर नहीं। बहुत लोग गायत्री का झोड़ी लेता है, झोला टांग लेगा, हम भी जुड़े हुए हैं, मोकामा से आए हैं, ठीक किए हैं, कोई खाने को दिया कि नहीं दिया? दिया था लेकिन फिर भूख लग गया। जा रे सरल बैगन, तोड़ा तो जो खाएगा वो में हट। हम चाहते हैं कि हमारा एक एक लड़का खड़ा हो, कहें कि भैया कितना संकल्प लिए हो? भैया 5 लाख का संकल्प लिए थे, 7 लाख पूरा हो गया। भाई हम तो गायत्री माता के पास जब बैठते हैं तो जैसे पीने वाला पीता है उस समय बेहोश होके पीता है, मैं भी उसी रूप में पीता हूँ। और गुरुदेव के कह देते हैं, गुरुदेव इज्जत आपका है, प्रतिष्ठा आपका है, मुझे कोई ठेकेदारी लेना है जो हम नेता मंत्री के यहाँ जाएं, हम तो आपके लिए जाते हैं, आप जानो आप समझो। और जहाँ भी गया ये बनाना पड़ता है। आपको समझना चाहिए गायत्री की ताकत को, आपको समझना चाहिए सूर्य की उपासना की ताकत को। सूर्य की उपासना किसने किया था महाभारत में, और सूर्य पुत्र कौन था? सूर्य पुत्र कौन था? कर्ण। आप कौन पुत्र हो? भैया हम ज्योतिषी से देखाए थे, कहा तू शनिचर के बेटा है।
ठीक क्या था, तू सनिचरा है, तू वो मंडल में आएगा तो सनिचरे रहेगा, इसलिए तू बाहरे रहा, माफ करना साहब। कर्ण किसका बेटा था? सूर्य की उपासना। और कर्ण देने वाला में थे कि लेने वाला में? सब लोग मांगने जाता था कर्ण से, और कर्ण किसी को निराश, ये गायत्री का ताकत, गायत्री मतलब सूर्य की उपासना, गायत्री मतलब सूर्य की ताकत, माफ करना, गायत्री में ताकत लानी पड़ती है। उल्टा पुल्टा रोड पर खाना खाता है, फचका खाते चलता है, चाट पकौड़ा खाता है, कचौड़ी खाता है, और कहता है इसी जिहुआ से गायत्री जपेंगे और गायत्री फल जाएगा। इसको गुरुदेव ने कहा, बेटा हमने 24 साल तक इस जिहुआ को धोया है तब गायत्री की साधना फली है। इसलिए भाई मेरे, गायत्री का ना तो चेहरा से लेना देना है, ना नैन नस्क से लेना देना है, गायत्री तो एक पावर है। क्या है? पावर। और दुनिया किसको सैल्यूट करती है? पावर। पावर पावर कहाँ है? मंत्री जी के घर में। अरे बुड़बक जा, पावर आपके हमारे अंदर है, ये गायत्री का पावर है। जो चाहो वो होगा, जो सोचो वो होगा, ये पावर है गायत्री की, ये गायत्री की ताकत। अभी पर 5 दिन पहले हमारे युवा मंडल में एक लड़का आया, मैं नाम भी नहीं जानता, पहचानता भी नहीं। उसने कहा कि भैया जब से हम PDC किए हैं हमको फायदा ही फायदा हो रहा है, मुजफ्फरपुर में बिजनेस कर रहे हैं, गिट्टी का बिजनेस है, लाखों लाख रुपया हमको फायदा होने लगा है, हम युवा मंडल के लिए 1 लाख रुपया देना चाहते हैं। 1 लाख बोला। हमने कहा चलो साहब क्या देना चाहते हो? भैया आप जो कह दीजिए। हमने कहा ठीक है, रुपया मत दो, क्या दोगे? चीनी दे दो तुम और रिफाइन तेल दे दो। कहा भैया छठ के कल हो के पहुंचा देंगे, हमको ऐसे लोग चाहिए। गुरुदेव की बातें हैं खरी खरी। कौन बात करी? कभी सुनिएगा, लगता है पीन मारते थे गुरुदेव, ऐसा ऐसा बात गुरुदेव का वीडियो में सुनते हैं कि लगता है छेद दिया भीतर तक। रे चोर, गुरुदेव बोलते हैं, रे मैंने कई बार तो गुरुदेव का प्रवचन ऐसा है कि सीधे गाली देते हैं, आप समझ लो भगवान की उपासना का। ये आया है महायज्ञ, आया है कार्यक्रम, अगर इसमें पीछे रहे, और जो लोग लाइव सुन रहा है वो सुन लो भाई, जो यहाँ बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं, जो लाइव देख रहा है, अगर 19-20 किया इसमें, तो फलना जी से पूछ लीजिए और उनसे पूछ लीजिए, तो सोच लेना ओकर लाभ हानि तो हर जिम्मे। इसलिए सब लोग इसमें समय दान और अपना अंशदान, जो संकल्प आप लोगों ने लिया है, जितना जल्द से जल्द हो आप लोग अपना समय दान अंशदान पूरा करिए और भगवान के काम में अपनी आहुति डालिए। आपके जीवन में आप एक दे रहे हैं, निशांत जी ने बताया, 100 गुना उसका लाभ मिलेगा, 1000 गुना उसका लाभ मिलेगा। भगवान कभी घाटे में किसी को नहीं रखेगा।